मेरा नाम मीना देवी है, मैं बेरी से आती हूँ। और पहली बार आई तब तो ऐसे कैसे लगा कि पता नहीं कैसे क्या होगा, और डॉक्टर साहब ने एक साल बताया, फिर आने लगी तब से पता ही नहीं चला एक साल कब निकल गया। आज मेरा वो हो गया पूरा ब्रेसिज वाला काम, आज मेरी ब्रेसिज हटानी है मुझे, और मैं बहुत खुश हूँ मेरी इलाज से। और यहाँ का व्यवहार, स्टाफ बहुत अच्छा है, और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से मेरा इलाज किया, और मैडम भी बहुत अच्छा व्यवहार करके और बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा इलाज किया है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरे दांतों को देखती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे ऐसे पता नहीं था मेरे दांत ऐसे भी होंगे क्या। और बहुत ही अच्छा व्यवहार है यहाँ का, और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आके। और कई लोग बोलते हैं कि इस उम्र में इलाज करवा के क्या करेंगे, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस उम्र में भी इलाज करवा के। और मेरे हस्बैंड ने भी मेरा साथ दिया कि आपको करवा के आना ही है इलाज, और वो वहाँ भी विदेश में रहते हैं, वहाँ भी बताते हैं सबको सीकर में ऐसा हॉस्पिटल है, वहाँ अच्छा इलाज होता है। हमने भी करवाया है, और घर में भी सब पूछते हैं, हमारे घर में 3-4 परिवार हैं मिलके, सभी देखने आते हैं तो बोलते हैं हम भी करवाएंगे, हम भी करवाएंगे। ऐसे कई लोग हैं पूछने भी, मोहल्ले के भी पूछते हैं कहाँ से करवाया इलाज, कहाँ से करवाया, तो मैं यही बताती हूँ कि मैंने तो वहाँ से करवाया, बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं, और अच्छा व्यवहार है उसी तरीके से। पता ही नहीं चलता एक साल का, मुझे तो पता ही नहीं चला। और पहले जो दांत थे उनसे मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता था, हंसते हुए भी शर्म आती थी कि भाई दांत ऐसे हैं, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे बोलते हैं कि मम्मी हम भी जाएंगे वहाँ पे इलाज कराने, मेरी बेटी बड़ी वाली मेरे साथ आती थी, एक साल से साथ आ रही है, तो वो बोलती है मम्मी अब कैसे जाएंगे, आपका इलाज तो हो गया, उसको यहाँ आने का मन करता है, हम ऐसे ही चले जाएंगे। फिर बोलती है मैं तो है ना यही सीखूंगी, ऐसा मन करता है बच्चों का भी। इतना बढ़िया हॉस्पिटल है, इतने बढ़िया स्टाफ है, डॉक्टर साहब भी मैडम दोनों इतने अच्छे हैं, अच्छे तरीके से इलाज करते हैं, बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ के।